myself Ahmed Nabi and your YouTuber. I sing a gig for Atul Sam song. It was his song. Aaj dil dukha hai tum yaad aaye excitement dikh raha hai apne kahan dhoond pa jaage hai soye nahi aisi hai meri ye bechaini उस व्यक्ति को सबसे पहले मेरा बहुत प्यार प्यार सलाम और थैंक यू वेरी मच. आपके खूबसूरत शाम है सुबह सजाई के सारे आर्टिस्टों के लिए और मेरी माजरत भी कबूल करें मैं कुछ ले रहा है सबसे पहले. तो भाई अहमद अच्छा गया आपने बट आपका जो कॉर्ड था वो जिस सुर से आप गा रहे हैं वो उस पर फायदा है. आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आप जिस सुर से गा रहे हैं उसका कॉर्ड वही होना चाहिए. तो ट्यून आपने अच्छी गाई है आपकी आपका रिदम अच्छा था बट आपका सुर जो है जब आप नीचे आते हैं तो वो बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो गया था. और बाकी आशिक अली खान साहब भी मेरे साथ हैं तो वो भी आपको प्लीज आप अपने जो है मार्क से आपको बताएंगे कि क्या आपने मेरी तरफ से सबको सलाम. और मौसीकी जो है वो एक बहुत बारीक सा काम है ये बहुत बारीक है. तो इन्होंने गाया भी बहुत अच्छा जहाँ से इन्होंने खर्च रखा था उसी खर्च से इन्होंने गाया है और लय भी इनकी बिल्कुल ठीक थी. लेकिन गिटार कहीं बज रहा था मैं माजरा से कह रहा हूँ गिटार कहीं भी बज रहा था उसके सुर अलग थे और इनका जो खर्च था गाने का ना वो अलग था. तो बस थोड़ा सा ये कि लगा दिल से मेहनत करे ना आदमी और ध्यान से करे तो कोई मुश्किल काम नहीं. जी फ्रेंड्स हम माजरत खा हैं म्यूज़िक राइट कॉपीराइट की वजह से यहाँ मुझे थोड़ी सी वॉइस ओवर करनी पड़ रही है. जो मेरे फ्रेंड्स इसको देख रहे हैं यकीनन सोशल मीडिया को समझते हैं और मेरी आप सबसे इल्तमास है कि हमें म्यूज़िक की वजह से थोड़ी सी ऑडियो इसके ऊपर वॉइस ओवर करनी पड़ रही है तो कबूल फरमाएँ. ये काम सेट यूनिवर्सिटी के ड्रामा जो सेटअप होता है सारा उसके डायरेक्टर हैं तो ये क्लैप होने चाहिए. बहुत तो शुक्रिया अदा करने का खासकर मेरे भाइयों का जो मेरे साथ बैठे हैं बाबा साहब जो हैं जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया. तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक तजर्बा एक्सपीरियंस है 25 से ज़ायद ममालिक में मैंने फिल्म मेकिंग की है. तो हमारा अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है और टैलेंट हब भी है दोनों हैं. टैलेंट को भी हम प्रमोट करते हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं. तो अब मसला ये है कि एक उर्दू का मुहावरा है ऊँट जो है ना वो पहाड़ के नीचे आ गया. इतने बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं तो मैं तो हमें अदब जो है ना अपने घर से सिखाया जाता है और हमारा जो प्रोफेशन है ये जितने सारे यंग लोग बैठे हुए हैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक छोटी सी सजेशन शेयर करना चाहूँगा कि टैलेंट हर किसी में थोड़ा बहुत होता है. हमारा जो टैलेंट हब है उसका मकसद ये है कि लोगों का टैलेंट उजागर करना लेकिन सीनियर की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है. ये ना सिर्फ हमारे हमारी माशरती इकदार का हिस्सा है ये चीज़ हमें घर से सिखाई जाती है. और मैंने देखा कि जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं मैंने 136 ममालिक में ट्रैवल किया है आर्ट से मैं मुंसलिक रहा हूँ. मैंने देखा है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनमें जो सबसे बड़ी खूबी मुझे नजर आई वो हमेशा अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं. तो प्लीज़ ये ज़रूर सीखें मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं. तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे सेहत दे आपने जितनी खिदमत की है आर्टिस्ट के लिए तो बहुत तालियाँ होंगी लेकिन सीनियर के लिए तालियाँ ज़रूर बताएँ. ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ ये है कि इरफान आपका नाम है इरफान आपका नाम तो शाबाश. ये मॉडलिंग ऐसा शोभा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फील्ड
लगता आसान है, ठीक है आपने वॉक की, लेकिन सबसे दो चीज़ें मेरे कमेंट हैं, उसके बाद अगर मैम कुछ कमेंट करना चाहें, एक तो ये है कि आपका आई कांटेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था मॉडलिंग जब आप स्टेज पे होते हो तो अपने आई कांटेक्ट अपना क्लियर किया। दूसरा इरफान अपनी बॉडी को ना थोड़ा सा रिलैक्स रखें, थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स रखें कि पता चले कि बॉडी जो है वो बिल्कुल रिलैक्स है, तो उससे फिर आपकी वॉक में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत अस्सलामुअलैकुम, सीरत मेकअप आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी अर्से से काम कर रही थी, 10 साल तो बेटिया में हो गया है और मेकअप सिर्फ फील्ड से बहुत पुरानी है। तो झूठ ना बोले, 20 साल से तो मैं एज की भी ज़्यादा तो बहरहाल मैं भी मॉडलर को देखती हूँ, उनको बनाती हूँ, संवारती हूँ, उनकी गेटअप देखती हूँ, उनका चाल ढाल देखती हूँ, अगर जहाँ गलत होता तो ठीक करती हूँ और स्टाइलिंग चेक करती हूँ, मेकअप चेक करती हूँ। सबसे बड़ा जो होता है फुल प्रेजेंटेशन है जो होती है, आप लोग सब लोग एडिशन देने आए, सबके लिए ये बात कर रही हूँ, एडिशन जब देने आते हैं तो एक लुक होती है आप लोगों की, आप लोग बैठ जाए बाकी लुक को बहुत 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 इंपॉर्टेंट समझा जाता है हमारी फील्ड में, लुक नहीं है आपकी तो मुझे लगता है वो जीरो होता है। तो लुक बहुत ज़रूरी है, आप एक मॉडल आए हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आपने क्या शूज़ पहने हुए, आपने क्या घड़ी पहनी है, क्या वॉच पहनी, मतलब हर तरह की चीज़ सर से लेकर पाँव तक मेरी एक लुक होती है। उसमें मैं कहती हूँ सबको, चाहे वो सिंगर है, मॉडल है, आर्टिस्ट है, कोई भी है, उसको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और ऑडियंस को अपने महसूस कराना है, अपने को लुत्फ़अंदोज़ कराना है अपनी चाल ढाल से, अपने गाने से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी आर्टिस्ट जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो लोग देखेंगे तभी वो खुद ब खुद कहने की जरूरत नहीं क्लैप नहीं करेंगे, मतलब किसी को कहने ही ना पड़े क्लैप करें, तो बगैर किसी को कहे क्लैप आ जाए तो क्या बात है, तो मॉडल का बस। शुक्रिया मैम सीरत।